हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लास बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। हेलो बच्चों, वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। प्लीज वेलकम टू वर्चुअल क्लास। माई सेल्फ सागर वसंत महाले, आपका वर्चुअल क्लास टीचर, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश टुडे ऑफ स्टैंडर्ड फर्स्ट। तो सबसे पहले बच्चों, हमने इससे पहले 6 वीडियोस फर्स्ट स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट के देखे हैं, जिसमें हमने यूनिट 1.6 तक पोर्शन कवर किया है। आज हम देखने वाले हैं इसका अगला यूनिट अगला टॉपिक 1.7। ये देखते हैं यूनिट 1.7 का नाम क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा बच्चों, यूनिट 1.7 माय नेम, मेरा नाम। तो बच्चे, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में आपको थोड़ी सी सिंपल भाषा में जानकारी देना चाहूंगा। इसमें हम दिन भर स्कूल में जब रहते हैं तो टीचर से, अपने दोस्तों से कैसे बातें करते हैं इन इंग्लिश, हिंदी या मातृभाषा में नहीं, अंग्रेजी में हम कैसे चर्चा करते हैं, कैसे वार्तालाप करते हैं, कैसे एक दूसरे से बातें करते हैं, उसके बारे में आज हम थोड़ी जानकारी लेंगे। तो आइए बच्चों, पहला पॉइंट ये है, लिसन टू मी केयरफुली एंड आंसर। मतलब मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, केयरफुली, और जवाब दीजिए। ठीक है, शुरू करें फिर आज का पार्ट। चलो, तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्कूल यूनिफॉर्म में दो बच्चे आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। अब ये दोनों आपस में कुछ बातें करने वाले हैं, लेकिन इंग्लिश में। तो ये देखते हैं कि वो क्या बातें करना चाह रहे हैं एक दूसरे से। लड़की कहती है गुड मॉर्निंग, तो उसका जवाब लड़का क्या कह के देगा बच्चों? वेरी गुड। हमने ग्रीटिंग्स में पढ़ा था ना, जब हमें कोई गुड मॉर्निंग बोलता है तो हमें भी उसे वापस गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। तो लड़का कहेगा गुड मॉर्निंग। तो दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया है, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहा है। आगे देखते हैं कि आगे दोनों में क्या बातें होती हैं। व्हाट्स योर नेम, मतलब क्या हुआ बच्चों इस सवाल का, कि तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट्स योर नेम। देखो बच्चों, जब हम स्कूल में जाते हैं तो कुछ नए बच्चे भी आ जाते हैं, न्यू एडमिशन आ जाते हैं, हम उनसे दोस्ती करना चाहते हैं तो हम उन्हें उनका नाम पूछते हैं। तो इसी तरह से ये लड़की उस लड़के को नाम पूछ रही है। कैसे पूछ रही है इंग्लिश में, व्हाट्स योर नेम। तो लड़के ने जवाब दिया माय नेम इज राज। क्या जवाब दिया लड़के ने, माय नेम इज राज। इस तरह से वो इंग्लिश में बातें कर रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या बातें कर रहे हैं। अब लड़के ने पूछा व्हाट्स योर नेम, तब लड़की ने जवाब दिया आई एम रिया। मतलब जब आपको कोई नाम पूछता है तो आप ऐसे भी जवाब दे सकते हैं कि माय नेम इज रिया, या फिर आप सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम रिया। जैसे कि मेरा नाम सागर है, अगर कोई मुझे पूछता है कि व्हाट्स योर नेम, तो मैं दो तरीके से जवाब दे सकता हूं, माय नेम इज सागर, या फिर आई एम सागर, या फिर सिर्फ सागर बोल के भी मैं जवाब दे सकता हूं। लेकिन हमेशा फुल सेंटेंस में अगर आप जवाब देते हो तो इंप्रेशन पड़ता है। तो लड़की ने क्या जवाब दिया, आई एम रिया। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि रिया और राज दोनों भी टीचर के सामने आए हैं। अब टीचर से इन दोनों की बातें होने वाली है। आइए देखते हैं बच्चों, टीचर और बच्चों में कैसी बातें होती हैं। टीचर कहती है टेल मी योर नेम प्लीज। अब टीचर दोनों को सवाल पूछ रही है, चलो चलो तुम्हारे नाम बताओ जल्दी जल्दी। तब रिया ने जवाब दिया आई एम रिया, और राज ने जवाब दिया आई एम राज। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो, दोनों ने जवाब दे दिया। क्या सवाल पूछा था टीचर ने,
टीचर ने सवाल पूछा था, टेल मी योर नेम, तब बच्चों ने जवाब दिया आई एम रिया और आई एम राज। तो बच्चों समझ आया आपको किस तरह से हम टीचर के साथ, दोस्तों के साथ इंग्लिश में बातें करते हैं, और इंग्लिश के लेक्चर में, इंग्लिश पीरियड में आपको इंग्लिश में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा तो हमें आती है, हिंदी में तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में बात करने के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कभी कभी नहीं आता है। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, जो चीज नहीं आती जरूरी नहीं कि वो हमें कभी नहीं आएगी, हम सीखेंगे तो जरूर आएगी। इसीलिए एटलीस्ट इंग्लिश के पीरियड में आपको इंग्लिश में बातें करनी चाहिए, टीचर से भी और अपने दोस्तों से भी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंग्लिश बात करना ना और लिखना आसानी से आ जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट देखेंगे, लुक एट द बोर्ड, फाइंड एंड टच योर नेम। तो बच्चों अभी हमारा स्कूल तो चालू नहीं है, लेकिन अगर स्कूल चालू होता तो मैं आपको बोर्ड पर आपके ही नाम लिखकर आपको उसमें से आपका नाम आइडेंटिफाई करने के लिए कहता। क्यों, कैसे? मैंने एक छोटी सी कोशिश की, आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड है, सॉरी ग्रीन बोर्ड है, कल हमारे स्कूल में ऐसे ही बोर्ड रहते हैं ना, और टीचर है, टीचर ने सब नाम लिख के रखे हैं, क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें से कुछ नाम लिख के रखे हैं। तो अब टीचर का काम ये होगा कि वो जिस जिसका नाम हो आगे आए और अपने नाम करे। तो कौन से नाम है? रेनू, सुमित, सोहा, कपिल, स्नेहा, रोहन, राजू, मोहन, प्रिया एंड राजू। तो यहाँ पे दो दो नाम है राजू। कभी कभी स्कूल में अपने क्लास में एक नाम के दो लड़के होते हैं या एक नाम की दो लड़कियां होती हैं, उनके सरनेम अलग अलग होते हैं। तो उसी तरह से अब यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, रेनू उठकर आएगी आगे और अपने नाम को टच करेगी, फिर सुमित आएगा, सुमित अपने नाम को टच करेगा, सोहा आएगी, फिर सोहा अपने नाम को टच करेगी। ऐसे सारे बच्चे आएंगे और अपने अपने नाम को पहचान कर, उस स्पेलिंग को पहचान कर करके क्या करेंगे, जानेंगे। इस तरह से ये चैप्टर का नाम ही है माय नेम, मेरा नाम। तो ये मेरा नाम जो होता है, सबके नाम होते हैं। नाम क्यों होते हैं बच्चे? सबको नाम इसीलिए होते हैं ताकि हम किसी को भी अगर बुलाना चाहे, किसी के बारे में कुछ कहना चाहे, उसका नाम तो होना चाहिए ना। बिना नाम के हम कैसे पहचान सकते हैं किसी को? इसलिए नाम का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अगर मेरा नाम सागर है और मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, अगर मैंने अपना नाम बताया नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस वीडियो के पीछे बोलने वाला व्यक्ति कौन है? इसीलिए तो मैं स्टार्टिंग में आपको अपना नाम भी बताता हूँ ना, कि मेरा नाम सागर खाले है, मैं आपका वर्चुअल क्लास टीचर हूँ। उसी तरह से नाम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम हमारी पहचान होती है। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको उदाहरण दिया है कि यहाँ पे दो राजू है, तो बच्चों अगर सिर्फ लोगों को नाम होते और सरनेम यानी पीछा वाला नाम जो होता है वो नहीं होता, तो कितना कंफ्यूजन होता। मैं अगर राजू तिवारी को बुलाना चाहूं और अगर राजू शर्मा ने मुझे आवाज दे दी, तो मैं क्या कहूंगा, अरे नहीं नहीं तुम राजू नहीं, मैं राजू तिवारी को बुला रहा हूँ, राजू शर्मा को नहीं। इसी तरह से नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सरनेम, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है बच्चों, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एग्जाम है और एग्जाम में राजू तिवारी को 100 में से सिर्फ 50 मार्क्स मिले हैं और राजू शर्मा को 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं, अगर मैं गलती से दोनों के रिजल्ट अदली बदली कर दूं, ना कंफ्यूजन हो जाएगा। राजू तिवारी जिसको 50 मिले हैं उसको 100 का मार्कशीट मिल जाएगा, और राजू शर्मा जिसको 100 मिले हैं उसको 50 का मार्कशीट मिल जाएगा। लेकिन अगर नाम अच्छे से लिखा हो, नाम साफ साफ हो, तो गलती नहीं कर सकते। इसीलिए नाम का महत्व होता है अपनी पूरी लाइफ में। आइए देखते हैं आगे, थर्ड पॉइंट है, लेट्स टॉक, आओ बातें करें। अब लड़का और एक लड़की फिर से आए हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। लड़की पूछ रही है, व्हाट्स योर फादर्स नेम? लड़के ने जवाब दिया,
माय फादर्स नेम इज राजन। अब लड़के की बारी, व्हाट्स योर फादर्स नेम। तब लड़की ने अपने पिता का नाम बताया, माय फादर्स नेम इज सुरेश, मेरे पिता का नाम सुरेश है। अब आगे देखते हैं उन दोनों में और क्या बातें हो रही है। व्हाट्स योर मदर्स नेम। अब लड़के ने जवाब दिया, माय मदर्स नेम इज रजनी। अरे वाह, लड़के का नाम राज, पिता का राजन, माँ का रजनी, सेम सेम नाम है। अब लड़के ने लड़की से पूछा, यानी राज ने रिया से पूछा, व्हाट्स योर मदर्स नेम। तब रिया ने जवाब दिया, माय मदर्स नेम इज सुरेखा। वाह, ताजी का नाम सुरेश, माता का नाम सुरेखा, सेम सेम हो गया। तो ऐसी बातें हमको करनी चाहिए छोटे छोटे सेंटेंसेस में अपने दोस्तों से। अभी आप तो घर पे हो तो आप अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से इंग्लिश में बात करने के सीखिए। शुरुआत में उन्हें पूछिए, पापा पापा व्हाट इज योर नेम, मम्मी मम्मी व्हाट इज योर नेम। इस तरह से आप इंग्लिश में बात करना सीख जाएंगे और आपके मम्मी पापा भी आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, है ना। वेरी गुड। अब टीचर राज से कुछ सवाल पूछेंगे, ध्यान से देखो, लेकिन वो सवाल सब इंग्लिश में पूछ रहे हैं। परीक मैं आपको बताऊंगा उस सवाल का मतलब क्या है। टेल मी योर नेम प्लीज। अब टीचर ने उस बच्चे से सवाल पूछा कि तुम्हारा नाम बताओ। उसने नाम बताया, आई एम राज। टीचर ने फिर दूसरा सवाल पूछा, टेल मी द नेम ऑफ योर स्कूल, मतलब तुम्हारे स्कूल का नाम बताओ। तब राज ने जवाब दिया, माय स्कूल नेम इज बीएमसी स्कूल। बीएमसी स्कूल में पढ़ते हैं ना हम बच्चों सब, बृहन मुंबई महानगर पालिका, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल। सबके नाम अलग अलग होते हैं लेकिन कॉमन नाम क्या है सब में, सारे स्कूल बीएमसी के हैं। तो इस तरह से राज ने क्या जवाब दिया, माय स्कूल नेम इज बीएमसी स्कूल। अब टीचर रिया से कुछ सवाल पूछ रही है, आइए देखते हैं टीचर रिया से क्या सवाल पूछ रही है। टेल मी योर नेम प्लीज, बताओ तुम्हारा नाम क्या है प्लीज। तब रिया ने जवाब दिया, आई एम रिया। अब टीचर कुछ और भी सवाल पूछने वाली है रिया को, आइए देखते हैं। इन विच क्लास यू आर, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो रिया बेटा। तब रिया ने जवाब दिया, आई एम इन स्टैंडर्ड फर्स्ट डिवीजन ए। आप भी बच्चों फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो ना, तो उसी तरह से रिया और राज भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, ए डिवीजन में पढ़ते हैं बीएमसी स्कूल में। तो इस तरह से बच्चों आपको ये सारी बातें करते रहनी चाहिए इंग्लिश में, ताकि आप इंग्लिश बोलना भी सीखो, पढ़ना भी सीखो और लिखना भी सीखो। इंग्लिश बोलना और लिखना आपको आगे चल के बहुत फायदा देगा। तो इस तरह से हम ये चैप्टर को देखें कि इस चैप्टर में कैसे अपने नाम से शुरुआत करके हम इंग्लिश में छोटी छोटी बातें कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको आज का पार्ट समझ आया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप आज से इंग्लिश बोलना और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस वॉज अवर टूडेज लेक्चर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल एज द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।